नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार ZIII के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की गणित पाठ पुस्तक चार से पाठ क्रमांक सात सिक्के तथा नोट पाठ को लेके आए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कई प्रकार के सिक्के हमारे भारतीय मुद्रा में शामिल हैं, जैसे एक रुपए का सिक्का, दो रुपए का सिक्का, पाँच रुपए का सिक्का, दस रुपए का सिक्का और नोट। एक रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का नोट उपलब्ध है, 500 का नोट उपलब्ध है, 200 रुपए का नोट उपलब्ध है। तो इन सबके बारे में बच्चों को जानकारी देना या जो लेन देन होता है उससे संबंधित कॉन्सेप्ट की जानकारी देना। हम समझते हैं कि आपने बच्चों को पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और अब आप बच्चों को पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। एक प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही करते हैं, वो एक गृहकार की। इसमें आप अपने जो छात्र हैं उनको आप गृहकार देते हैं और वो बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को गृहकार करना अच्छा नहीं लगता, उनको नीरस लगने लगता है। तो क्यों ना गृहकार की प्रक्रिया को रोचक बनाया जाए। इसके लिए हम एक प्रक्रिया को करते हैं, एक नवाचार को, इसका नाम है गृहकार। बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है, बच्चों को गृहकार करना और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। इस नवाचार की अगर नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश से अनुभव करते हुए बच्चों का गृहकार करवाया जाता है। साथ ही बच्चों का पाठ का पुनः अध्ययन होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार क्रियान्वयन में 30 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। अब इस नवाचार में पूर्व प्रबंधन में हमें कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर सिक्के तथा नोट पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लानी होगी सही बच्चों के लिए। अब यहाँ पर पुनः अध्ययन के लिए हम पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें और साथ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि राशियों का लेन देन, एक राशि के लेन देन में 3-4 नोटों का प्रयोग होना, इस बात को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को आपने पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझा दिया है, बता दिया है और अब आप बच्चों का पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। आपने पाठ को पूरा भी पढ़ा दिया है बच्चों को। अब यहाँ पर बच्चों से आप कहेंगे कि बच्चों आपको घर जाना है और अपने अभिभावक को सिक्के तथा नोट के बारे में बताना है कि आज मैं ये पढ़ाई किया था, उनसे भी जानकारी एकत्रित करनी है कि उनके समय में कैसे सिक्के चलते थे या नोट चलते थे। इसके बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि अपने अभिभावकों की सहायता से अपने घर में 50 रुपए के मूल्य तक की वस्तुओं के नाम पता करके सूची तैयार करके लानी है। बच्चों को एक सूची की तालिका दी जाएगी जिसमें विद्यार्थी का नाम, वस्तुओं के नाम, मूल्य लिखा होगा। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य है, जैसे रिफाइंड तेल है तो उसकी वस्तु का मूल्य है 90 रुपए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तु और उनके मूल्य को आपको तालिका बनाकर लिख कर लेनी आनी है। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो छात्र हैं, अभिभावक जो हैं, उनको निर्देश ये दिए जाते हैं कि वो बच्चों को जो वस्तु का मूल्य है उन पर विशेष ध्यान बल देते हुए बच्चों को बताएं। साथ ही बच्चों को कहें कि वो सूची को तैयार करके कक्षा में अगले दिन उपस्थित करें या लेके आएं। बच्चों से कहा जाता है कि जब आप तालिका को लेके आते हैं तब आपको उस तालिका से संबंधित निर्देशों के आधार पर पाठ को दोहराया जाएगा, साथ ही आप जो तालिका बना के लेके आओगे वो और बच्चों को आप पढ़ के सुनाओगे। इससे आपका पाठ का पुनः अध्ययन होगा और जो दूसरे बच्चे हैं उनका ही पाठ का पुनः अध्ययन बहुत अच्छे से होता है। तो इस प्रकार से सिक्के तथा नोट पाठ का पुनः अध्ययन बच्चे बहुत रोचकता से करते हैं और बच्चों को गृहकार नवाचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी इसको अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वित करें, बच्चे इसको बहुत ही उत्साह के साथ ग्रहण करते हैं। ऐसे दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIII की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIII की फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अनुवेडी पार्सल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।